मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के आठवें दिन की। जी हां, आज यूथ गेम्स का आठवां दिन था यानी कि 11 जून, और आज के दिनों के कुछ अहम इवेंट्स के हम रिजल्ट्स की तरफ नजर डालने वाले हैं। साथ ही रिजल्ट्स डिस्कस करने के बाद आखिर में हम बात करेंगे मेडल टैली की। तो चलिए फिर शुरुआत रिजल्ट से करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फुटबॉल की, जिसमें बॉयज के अंदर हमें सेमीफाइनल मैच देखने को मिला मिजोरम और कर्नाटक के बीच, और ये मुकाबला मिजोरम अपने नाम 4-0 से करते हुए फाइनल्स में जा पहुंचा है। वहीं आगे बढ़ते हैं टेबल टेनिस की तरफ। तो टेबल टेनिस में गर्ल्स डबल्स का सेमीफाइनल भी हमें देखने को मिला, जिसमें सुहाना और पृथोकी ने अपना ये जो सेमीफाइनल मुकाबला है वो 3-1 से अपने नाम किया और दिल्ली की डबल्स टीम को डिफीट किया। नेक्स्ट टेनिस की बात की जाए तो टेनिस में तमिलनाडु की लक्ष्मी और जननी की जो जोड़ी है उन्होंने बीट किया है महाराष्ट्र के पैर को टू विन गोल्ड मेडल। टेनिस में आज गर्ल्स डबल्स का ये जो गोल्ड मेडल मैच था हमें वो देखने को मिला, जहां पर बाजी तमिलनाडु की जो जोड़ी थी वो मार गई। नेक्स्ट बात की जाए आर्चरी की तो आर्चरी में भी आज के दिन हमें देखने को मिले सेमी फाइनल राउंड्स, और उसमें से कुछ अहम मैचेस के अगर हम बताएं कि किन्होंने किन्होंने अपने सेमी फाइनल्स के जो राउंड है वो जीते हैं, तो उसमें शामिल रहे अवनीत कौर जो कि पंजाब की है, उन्होंने अपना जो सेमी फाइनल है वो जीतते हुए नेक्स्ट राउंड में जगह बना ली है। उनके अलावा कपिश और अजय सिंह ने भी फाइनल्स में जगह बना ली है, जो कि दोनों ही राजस्थान से हैं। और आगे बढ़ते हैं तो अदिति गोपीचंद जो कि महाराष्ट्र की है उन्होंने भी आज का अपना सेमीफाइनल जीत लिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बॉक्सिंग में, तो बॉक्सिंग में गर्ल्स का 52 kg का मुकाबला हमें देखने को मिला बिटवीन मिजोरम और महाराष्ट्र, जहां पर महाराष्ट्र ने जीत हासिल करी। वहीं बात की जाए जूडो की तो जूडो में मेन 55 kg कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल अपने नाम कर गए हैं अनिल, जो कि हरियाणा से हैं। आखिर में बात करते हैं हम स्विमिंग की, तो स्विमिंग में हमें गर्ल्स के गोल्ड मेडल मैचेस देखने को मिले। सबसे पहले गर्ल्स 200 इंडिविजुअल मेडले में गोल्ड मेडल अपने नाम कर गई है महाराष्ट्र की अपेक्षा फर्नांडिस। वहीं उसके अलावा दूसरे मुकाबले की बात की जाए जो कि रहा गर्ल्स 200 मीटर बैक स्ट्रोक, और उसमें गोल्ड मेडल जीता है रिधिमा वीरेंद्र कुमार जो कि कर्नाटक की है। तो ये थे आज के दिन के कुछ अहम इवेंट्स के रिजल्ट्स। अब नजर डाली जाए मेडल टैली की और कि अब तक कौन सा स्टेट नंबर 1 पर चल रहा है। तो आज के दिन हमें कुछ ऊपर नीचे देखने को मिला मेडल टैली में, कुछ जो फर्स्ट और सेकंड की ही हम स्पेशली बात करेंगे, जो कि फाइट चल रही है हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच, और वही चीज हमें आज के दिन भी देखने को मिली। महाराष्ट्र ने हरियाणा को बीट करते हुए दोबारा से पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। महाराष्ट्र ने अभी तक अपने नाम टोटल 98 मेडल्स कर लिए हैं, जिसमें शामिल है 37 गोल्ड। वहीं दूसरे पर खिसक गई है हरियाणा, जिसके नाम है 108 मेडल्स और उसमें से 36 गोल्ड मेडल्स है। वहीं तीसरे स्थान पर बना हुआ है कर्नाटक कल की ही तरह, जिसके अभी तक टोटल मेडल्स हो चुके हैं 52, और 52 में से 21 मेडल्स गोल्ड है। तो देखते हैं कि कल इस यूथ गेम का 9वां दिन रहने वाला है, कल क्या हमें देखने को मिलता है मेडल टैली में, कुछ चेंजेस रहेगा या दोबारा से ऐसा ही नजर आएगा, या हरियाणा दोबारा से महाराष्ट्र को बीट करते हुए अपनी फर्स्ट पोजीशन पाने में कामयाब रहेगा। लेकिन उसके लिए हमें जरूर करना पड़ेगा इंतजार। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए आप सब चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें और उसको जरूर सब्सक्राइब कर दें। So thank you for watching the video.